दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की कुछ ऐसी मोटिवेशनल कोट्स जिससे बहुतों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। ये बात सही है कि उनके सारे मोटिवेशनल कोट्स बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी सी कोशिश करी है मैंने कि उन सारे मोटिवेशनल कोट्स को मैं विस्तार से आपको सही तरीके से समझा पाऊं और ये बतला पाऊं कि हाँ यार, अगर हम कुछ करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को एक बच्चा बनके अगर देखेंगे टिल द एंड तक, तो आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा कि यार आपके जीवन में अब क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे आप अपने सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑप्शन नहीं किया है तो प्लीज ऑन करिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये लाइन बहुत छोटी सी है, लेकिन इस लाइन में बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। ये बात राइट है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूं तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको लाइफ में चाहे लाख की सैलरी हो, 2 लाख की हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको पहली सैलरी मिलती है ना, तो वो खुशी मुझे नहीं लगता कि लाख 2 लाख वाली खुशियों के बराबर की हो सकती है। उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि उसके लिए उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होता है। वो पढ़ाई का संघर्ष, कंपटीशन फेस करने का संघर्ष, वो इंटरव्यू में बार बार रिफ्यूज होने का संघर्ष, वो बॉस की डांट सुनने का संघर्ष, वो किसी से कुछ सीखने का संघर्ष, ये सारी बातें करके वो आगे बढ़ता है। और जब उसे पहली सैलरी मिलती है तो उतनी खुशी शायद ही मुझसे कभी मिल पाएगी। स्टूडेंट होंगे तो पूरे साल आप कितना भी पढ़े ना पढ़े, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके साथ, ये सारी चीजें अगर आप लेके बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन कैसा गया, कितना कठिन था नहीं था, जिसने रिजल्ट मिलता है और आपको लगता है कि हाँ यार नंबर आ गए, तो आई एम श्योर वो खुशियां शायद ही कोई आपसे किसी और वे में फील करवा सकता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इससे एक बात समझ आती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। हम इसे एक्सक्यूज दे सकते हैं कि नहीं यार, अगर ये वाला होता हमारे पास तो मुझे जॉब मिल जाती, या ये सर्टिफिकेट होता मेरे पास तो मैं गवर्नमेंट जॉब ले लेता। यार ये बात क्यों कहना जब है ही नहीं, कि तो अपने आप को दिलासा देना होगा। दिलासे से काम नहीं चलता मेरे भाई। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जो रिसोर्सेस आपके पास हैं उसी से लेके आगे बढ़िए। अब दोस्तों, उनकी ये दूसरी बात जो उन्होंने कही कि महान कार्य करना हो तो महान त्याग करना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग इस महान त्याग को ये समझ लेते हैं कि अगर जब तक कोई बड़ा सेक्रीफाइस ना दिया हो तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। भाई ये कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था ये विचार, जब मैं सुनता था कि यार किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, किसी को 10 दिन तक खाना नहीं मिला, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा, तब लगता है यार कि यार यही बंदा सक्सेस कर सकता है। हमारे पास फीस है बट ज्यादा नहीं, बट जितना होना चाहिए उतना है, तो यार हम फिर त्याग किस चीज का कर रहे हैं। यही त्याग होता है। जीवन से बड़ा त्याग आज तक मैंने नहीं देखा। अगर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो इससे बड़ा त्याग किसी चीज में हो ही नहीं सकता। अगर तुम अपना समय पढ़ाई में, अपने जॉब में, उस चीज को पाने में लगा रहे हो, तो इससे बड़ा जीवन का और कोई त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी 100-200 साल की नहीं है, 60-70 में ही निपट जाते हैं। तो तुम जिस चीज में समय दे रहे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग है। बहुतों के लिए बहुत बड़ी बातें हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि जीवन में किसी के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो या कोई भी इतना बड़ा त्याग करे, मैं कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये समय है, अपना मोल तो चुका ही लेता है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं उस चीज के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और आप अपना समय त्याग कर रहे हैं। और मुझे नेपोलियन की वो बात याद आती है यहाँ पे कि अगर कोई चीज तुम्हें बुरी लगती है, नहीं पसंद है, तो उसे कोसिए मत। अपने आप को इतना बड़ा बनाइए, वहां पहुंचिए और उस चीज को बदल डालिए। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी चीज को कोसने की बजाय अपने आप को इतना बड़ा बनाइए। और इन सब बातों से मुझे एक स्टोरी याद आती है, जब एक बहुत बड़े हैकर ने ट्विटर को हैक किया पहली बार, तो वो रातों रात फेमस हो गए। तो एक बहुत बड़े पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर, सक्सेस तो आपको रातों रात मिल गई। तो उसने कहा कि दोस्त, तुम नहीं जानते वो रात कितनी लंबी थी। तो ये रियलिटी है यार, हम दूसरे को देखते हैं कि यार ये इतना बड़ा बन गया, जी यहाँ आ गया, लेकिन उसके पीछे की बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता है, लेकिन जरूर उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा जो उसने सेक्रीफाइस किया है। किसी के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, किसी के लिए कुछ छोटा, इसका कोई पैमाना नहीं है। साइंटिस्ट ने ऐसी कोई पैरामीटर्स नहीं बनाई जिसे आप मेजर कर सकें कि उसका थोड़ा ज्यादा था, इसका थोड़ा कम है, ये आप मेजर नहीं कर सकते। तो सक्सेस रातों रात नहीं मिल जाती,
ये वाकई उनकी बात से समझ आता है कि दोस्त तुम नहीं जानते वो रात कितनी लंबी थी। तो वाकई किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है उस चीज में। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा कि हाँ यार जीवन में क्या करना है। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए। दोस्त मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर ऑन करिए जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस की हमेशा नोटिफिकेशन पहले मिल जाएंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।